फिल्म का ट्रेलर देखा हमने, अच्छा लगा, लेकिन ये जो ट्रेलर हमने देखा ये किसी एक आपका ही सीरियल है उससे बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है, स्टोरी ही रिजेंबल करती है पूरी एक तरीके से देखा जाए। सीरियल का नाम था सौभाग्यवती भवन और आपका जो कैरेक्टर है वो सेम वैसा ही था। बिल्कुल नहीं, एक्चुअली देखिए ऑब्सेशन एक शब्द है जो बहुत सारे किरदार प्ले करते हैं। वो एक अलग टाइप की ऑब्सेशन थी, वो हस्बैंड वाइफ की ऑब्सेशन थी। ये जो ऑब्सेशन है जो आप फिल्म में देखोगे, मतलब आपको दिख रहा है ऐसा, लेकिन ये तो ट्रेलर है इसलिए आपको वो जिज्ञासा क्यूरियोसिटी पैदा करवाती है, लेकिन आप फिल्म में देखोगे ये स्टोरी कम्प्लीटली अलग है। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सौभाग्यवती। यस, मुझे ऑब्सेस्ड लवर्स वाले रोल बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उसमें जो उसमें जो लेयर्स होते हैं मुझे बहुत पसंद आता है उसको निभाना। जस्ट क्यूट पपी बॉय रोमांस वाले रोल्स मुझे अच्छे नहीं लगते, सो ऑब्सेशन इज़ माय फोर्टे, मुझे अच्छा लगता है। सो प्रॉबेबली आपको ऐसा लगा होगा बिकॉज मैंने वो रोल किया है, और उसमें भी वो एक स्टिक थी और इसमें भी है, बस यही सिमिलैरिटी और कुछ नहीं है। रियल लाइफ में भी कभी हुआ ऐसा कुछ सामना, लाइक मैं किसी के पीछे ऑब्सेस्ड हो गया या फिर आपके पीछे कोई लड़की ऑब्सेस्ड हो गई? हाँ, लड़कियाँ बहुत ऑब्सेस्ड हुई हैं, बहुत जेन्युइनली बहुत हुई हैं। और इंसिडेंट, ऐसे इंसिडेंट्स हुए कि वाइफ को है ना उनको ब्लॉक करना पड़ा मेरे फोन पर, सो उससे ज्यादा यार सीरियसली मैन, तो इट वाज लाइक आई सेड ना, इट्स वेरी इजी टू ट्रैक यू। अभी आई एम गोइंग टू हैव फूड एट दिस प्लेस ओवर देयर, तो लड़की अगर पहुंचना चाहे तो दो मिनट पहुंच सकती है ना, सो यू हैव टू आल्सो बी लिटिल बिट मोर सीक्रेटिव अबाउट वेयर यू गो, अदरवाइज वेरी इजी टू स्टॉक यू। सो टीजे क्या बोलती है कि एक काम करते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट हेल्प इट, इन लाइफ ही ऐसी हो गई है, हम एक बार पहुंच जाएं और वहां से निकल जाना तब बोलना कि मैं यहां पर हूं। तो अगर किसी को आना तो अरे है ही नहीं। सो या, इफ दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। हाय, दिस इज प्राची फ्रॉम एंटरटेनमेंट ट्रेड मैगजीन। माय क्वेश्चन इज टू ललित सर, आपको ऐसे क्यों लगा कि प्रिया मैम और करण सर फिट है इस रोल के लिए? करण तो फिट था ही इस रोल के लिए हमेशा से, तो लाइक एनी स्पेसिफिक रीजन या फिर जस्ट बिकॉज महेंद्र सर? बिकॉज मैंने करण के साथ जब काम किया था कबूल है में, तो ही वॉज अ वेरी पॉजिटिव रोमांटिक बॉय काइंड ऑफ लड़का, और ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, ही हैज़ अ वेराइटी ऑफ परफॉर्मेंसेज, सो मुझे ऐसा लगा कि वो उसको पुल कर सकता है। ऑलरेडी उसने वो पहले पुल किया था, तो उसी सुर को थोड़ा सा और आगे लेके जाना था, तो उसमें इतनी डिफिकल्टीज नहीं आती जब आपके पास एक कनवास ऑलरेडी तैयार है। तो मतलब के वी इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर टू एक्ट ऑन इट। एंड प्रिया? प्रिया ने जब कहानी सुनी तो प्रिया बहुत एक्साइटेड हो गई थी उस तो प्रिया कहानी सुनने के बाद प्रिया को गूज बम आए, प्रिया बोल रही थी कि आई लव इट, आई विल डू इट डू इट डू इट, एंड देन आई फाउंड कि अगर वो इतनी भूख, जो हंगर एक एक्टर के अंदर होती है, वो हंगर बहुत ज़रूरी है। हम लोग सब काम करते क्योंकि हमें भूख लगती है, काम पैसा कमाना है, तभी हम काम करते, भूख ना लगे तो हम काम नहीं करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। तो वैसी वो भूख जो प्रिया के अंदर थी काम की, तो उसने उसको काम दिलाया। ये सारे डिप्लोमेटिक आंसर्स दे रहे हैं सच में। अरे मैं ऑलरेडी मेन थिंग व्हाट ही सेइंग इज राइट, बट नहीं, प्रिया के अंदर जो एक्साइटमेंट था आफ्टर लिसनिंग द स्टोरी, दैट इज एब्सोल्युटली नो, बट एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमको लड़की 5 दिन पहले मिली है शूट, हम लोग शूट, वो कहते हैं ना कि शादी का कार्ड छप गया है, दूल्हा रेडी है, दूल्हा नहीं है वो मंडप पे देख लेना। तुम लोग ऑप्टिमिज्म के किंग हो यार, तैयार हो गए फिल्म की शूट के लिए विदाउट इट। हमने इतनी सारी मतलब हमारी सब फ्लाइट की टिकट सब कुछ बुक हो चुका था और हीरोइन नहीं थी, मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कर रहा था, सारी कास्ट सेट हो गई है। ओके, हम बोल रहे यार लड़की का है जो मेन हीरोइन है वो का है, वी ऑडिशन सो मेनी मतलब इट वॉज अनबिलीव। और ब्यूटी ये बात है, सबसे पहली लड़की जिसकी फोटोग्राफ भेजी वो प्रिया की थी, हमने बोला यार नहीं 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 ये इसमें मजा नहीं आ रहा, सॉरी याद, थैंक यू सो मच, बट लिसन, एक फोटो भेजी जो कि गूगल पर से उसने फोटो, अभी गूगल वाली फोटो आप मेरी देखो ना आप हंसोगे, जो प्रिया का सबसे गंदा पिक्चर हो गया एक्चुअली, बोला यार ये कैसे, नहीं 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 ये नहीं, उसका ऑडिशन भी नहीं हुआ था, वो फोटो पे ही हो गया था, सॉरी नॉट हैपनिंग। फिर बाद में पूरा मतलब वो क्या ना, वो गोवर्धन पर्वत को परिक्रमा करके उसके बाद हम वापस आए, लिटरली 7 days लेफ्ट टू गो टू मनाली टू शूट, 7 days लेफ्ट, ऑप्टिमिज्म की मिसाल है हम सब लोग सीरियसली। एंड मुकेश अरिया दिस वन मोर गर्ल, उसको पहले ऑडिशन करो, आई से ओके फाइन, शी केम होम एंड शी रेड द स्क्रिप्ट, द वे शी रेड इट, ललित इमीडिएटली सेड दिस इज इट। बाद में हमें, हम जब मनाली पहुंच गए तब हमें रियलाइज हुआ, अरे ये तो वही लड़की है जिसने हम लिसन यू नीड टू रिमूव ऑल दीस पिक्चर्स फ्रॉम गूगल, इट्स नॉट वर्किंग, आई हैव टू डू दिस, आई हैव बीन ट्राइंग फॉर अ व्हाइल, आई हैव टू आस्क यू दिस एक्चुअली, यू नो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन आल्सो, चेहरा बहुत जाना पहचाना सा रहता है, नाम भूल जाते हैं, डिड डूइंग अ टेलीविजन रियलिटी शो
changed that game for you also, you know, to come out on there and be completely naked in front of an audience that is there, that is judging you, and that is trolling you, that is loving you, that is lauding you. Did that help you also to make this decision to be Karan Veer Bora? Yeah, literally, we became naked because उस show में मैं topless ही था हमेशा. But yes, मुझे मेरे जैसे आपने बहुत categorically कहा था कि वो सौभाग्यवती भव की image थी, तो मेरे लोग मुझे विराज डोबरियाल या प्रेम या आहिल उसके नाम से जानते हैं, और हमेशा होता है, यू नो, टेलीविजन नाम आपका थप जाता है. बिग बॉस करने का ये रीज़न था ये कि पीपल शुड नो हु आई एम, बिकॉज नाम से आप जाने जाओ एंड देन काम आपका बोलेगा. जनरली क्या होता है, काम से जाने जाते हो और नाम किसी को पता नहीं होता है. सो इट डिड हेल्प मी अ लॉट, यू नो. सो आई एम ग्लैड लोग मुझे ये नहीं समझते हैं, ओके, बट आई लव डूइंग दिस रोल्स एज एन एक्टर. People should know who I am. करण, सबसे पहले तो हीना आपकी जो बहुत अच्छी दोस्त है वो फिल्मों में जा चुकी हैं और आप भी फिल्मों की तरफ बढ़ रहे हैं, वहीं फिल्मों की रानी करीना कपूर टीवी में आ रही हैं, इस पर आपका क्या स्टेटमेंट होगा? देखिए, आपने एग्जैक्टली यही कहा कि इसमें अभी वो लाइन ही नहीं बची है, सब लोग इधर उधर अदला बदली सब जगह हो रही है, तो वो जो किस्सा हुआ था वो उसको है ना, वो लाइन ही खत्म हो चुकी है. सो बिकॉज यार फिल्में जो हैं वो टीवी पर आती है प्रमोट करने के लिए, नहीं तो फिर फिल्में ही बनाओ ना और उस फिल्म पर ही प्रमोट करो. नो, बिकॉज यू कम ऑन टेलीविजन बिकॉज इट्स सच अ ह्यूज मीडियम, यू नो. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग. आई मीन, आई रियली अप्रिशिएट दैट पीपल कमिंग टू द टेलीविजन मीडियम टू एक्ट एज वेल, ओके. सो आपको है ना उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि एक कलंक के तौर पर गई अरे ये क्या हो रहा है. Nobody was very, very... It's well done that you actually picked it up. Baki sare log phir involved ho gaye. That editor had to then apologize. And it also, social media is a very important tool to use responsibly. You're able to use it very well. And I'm very glad that, you know, you were able to give her that darja in Cannes. And she managed to... Actually, 2 days later, she became very, very famous in Cannes because of that. Priyanka Chopra invited her yeah, to of course. So, that party, man. So now if she gets a film, you better take a cut, buddy. Because it's all because of you. Yeah. How about we take her only? All right. Hello. Yeah, at the back. Yeah. मैं शाहरुख सर का बहुत बड़ा फैन हूँ, तब से जब से उनकी कभी हाँ कभी ना आई थी. फिर उसके बाद उन्होंने ऐसे रोल्स किए, अंजाम, डर. I really take inspiration from the way. और शाहरुख सर से बेटर अभी तक किसी ने obsessive lover नहीं किया है. तो he is literally, I take him. और मैं foreign films भी देखता हूँ, लेकिन जो शाहरुख सर करते हैं ना, उनसे really he is phenomenal. तो उसी से inspired होके we made this, या मैं ऐसे ऐसे roles निभाना चाहता हूँ. तो ऐसा ऐसा ही है. But the story has no inspiration, adaptation, nothing to no, do no, no, with no. Yeah, it's got nothing to do with dar. Ye dar nahi hai, okay? But this is just an inspiration from Shah Rukh sir, you know. बहुत ज़्यादा. क्योंकि अगर आपने देखो, आपको पीछे पढ़ना होता है, you know, आप ऐसे नहीं हो, बिकॉज आजकल वो जमाने नहीं, चाहे वो काम हो, चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, चाहे किसी से मिलना हो, चाहे एक लव क्यों ना हो, यू हैव टू पैशनेटली बी बिहाइंड इट. हाँ, ये अलग है बिकॉज ये फिल्म है, तो हम थोड़ा एक लेवल क्रॉस कर लेते हैं, बट हम सब में वो एक ऑब्सेशन है. आई नो दैट, चाहे हम कितने भी शांत हो ना, ट्रस्ट मी, व्हेन पुश कम्स टू शव, वी विल बिकम ऑब्सेस्ड. सो बट नो मींस नो, व्हेन द अदर साइड, व्हेन द नो हैपेंस, या देन यू बैक ऑफ. दायरे के अंदर रहकर, दायरे के अंदर, तभी मेरे को यहाँ बैठाया है ना, बाकी सही वक्त पर सही है, ये ड्रॉ यू बैक, दायरे के अंदर रहकर, दायरे के अंदर, करण वीर दायरे के अंदर ही रहेगा, एब्सोल्युटली. हाँ, वैसे अगर वहां से ना आ गया तो बिल्कुल ना हो गया. हाय करण वीर, या प्लीज. नहीं, मैंने बात नहीं की. आई थिंक वो दोनों खुश हैं जिस जोन में हैं वो. सो देखिए, दोस्ती
वहाँ शो में थी, अगर बाहर कोई एक स्टेप लेगा तो मैं दो स्टेप लूँगा, मैं हमेशा ऐसा ही हूँ, तो अगर स्टेप ना हो तो मैं भी स्टेप ना लूँ, मतलब ऐसे, लेकिन अच्छे संबंध ज़रूर है, जब भी मिलेंगे तो हाय हेलो ज़रूर होगी, मैं किसी की लाइफ में ज़्यादा घुसता नहीं हूँ, सो दैट्स व्हाट। हाय करण, ओके सो करण, यू नो जैसे कि आपने कहा कि गर्लफ्रेंड्स जो लड़कियां जो थी वो आपके पीछे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस थी और टीजे उनको ब्लॉक कर देती थी, तो इस फिल्म में भी रोमांटिक सीन्स है, क्या उनको इससे प्रॉब्लम हुई है? बहुत प्रॉब्लम हुई प्रिया, बात करो, कितनी प्रॉब्लम हुई टीजे को? एक्चुअली में प्रॉब्लम नहीं हुई, टीजे इज अ स्वीटहार्ट एंड शी लव्स मी, सो शी didn't have a problem at all. They but actually I don't know if you faced any of that. नहीं, मुझे है ना परमिशन लेनी पड़ी टीजे से कि देखो ऐसे कुछ सीन्स होंगे, तो वो क्या कहती है, देखो सीन्स करो लेकिन वो बड़े अच्छे होने चाहिए, मतलब गंदे, मतलब यू नो इट शुड लुक गुड, पीपल शुड से वाओ, तो मैं बोला यार ये बीवी अच्छी है, यू नो ऐसे ही होनी चाहिए। सो शी वाज, शी डिडंट कम ऑन द सेट? नो, नेवर, नो नो, शी वाज ऑलवेज देयर, बट शी इज वाचिंग इंस्टाग्राम। आई वुड नॉट डिस्प्ले दिस अफेक्शन ऑन इंस्टाग्राम। ललित सर, आपसे भी सवाल था, ट्रेलर में हमने जूही मैम को देखा, तो उनका क्या